हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड मिस फाकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी स्नैपचैट में यह प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा है आपको नोटिफिकेशन बार पे अपडेटिंग मैसेज, तो बहुत देर से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने डिवाइस की सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना और एक ऑप्शन होगा ऐप्स वाला, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐप्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको मैनेज ऐप्स का, तो इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली स्नैपचैट को सर्च कर लेना है। तो स्नैपचैट सर्च करने के बाद इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज का, तो स्टोरेज के ऑप्शन पे जाने के बाद हमें क्या करना है, इसको क्लियर कैश कर देना है। क्लियर कैश करने के बाद हमें जाना है इसकी परमिशन पे। तो परमिशन में जाने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप की परमिशन होगी, तो सारी परमिशन को हमें वन बाय वन इनेबल कर देना है, और ध्यान रखना है कि कोई भी परमिशन हमें यहाँ पर डिनाई नहीं करनी है। तो सारी परमिशन यहाँ पर मैं इनेबल कर चुका हूँ। तो परमिशन इनेबल करने के बाद हमें जाना है अदर परमिशन पर, तो यहाँ भी सारी परमिशन इनेबल कर देनी है। तो यहाँ भी सारी परमिशन वन बाय वन इनेबल कर देता हूँ मैं। उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का, तो रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस पर भी वाईफाई और मोबाइल डाटा होगा, इनको इनेबल कर दीजिएगा। इनको इनेबल करने के बाद नीचे ऑप्शन होगा क्लियर डिफ़ॉल्ट का, इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कीजिएगा और आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।